काफी फेमस मंदिर है हरियाणा, कहा जाता है कि हम मनोकामना जो मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाते हैं, हाँ। पुराने विष्णु भगवान है, हाँ। हाँ। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, आते हैं, हाँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पढ़ने समय, आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त सोनपुर बाबा हरियानाथ मंदिर में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदिर में काफ़ी भीड़ दिख रहा होगा। जी आपको बता दें कि कार्तिक का महीना चल रहा है और 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, इसी को लेकर इस मंदिर में काफ़ी भीड़ दिख रहा है। और जिस तरह से कहें तो जो बाबा हरियानाथ का मंदिर है वो काफ़ी फेमस है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और यहाँ जो मनोकामना होता है वो यहाँ मांगते हैं। और जिस तरह से बात करें तो इस मंदिर में शादी विवाह भी होता है और मुड़ना भी होता है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ बच्चों को मुड़ना भी कर रहे हैं और लोग श्रद्धालु पूजा भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम जो श्रद्धालु हैं किस तरह से बाबा हरियानाथ के मंदिर में पहुँचे हैं और यहाँ पूजा कर रहे हैं। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर में जो तमाम लोग श्रद्धालु हैं वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं घंटा लगाया हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं और अपने जो भगवान को जगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि नवगृह मंदिर भी है जहाँ पर जो भगवान का प्रतिमा है वहाँ पर सब श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। अब हम यहाँ के श्रद्धालु से बात कर भी करेंगे कि वो यहाँ पर पूजा करने पहुँचते हैं और काफ़ी भीड़ दिख रहा है तो क्या है ये कि जो मंदिर है वो कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगा जाता है वो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। दादी आप बाबा हरियानाथ मंदिर हमेशा आते हैं पूजा करने? हाँ हमेशा आते हैं। यही के हैं? हाँ यही का तो है। मंदिर में काफी भीड़ दिख रहा है, कुछ विशेष दिख रहा है? अच्छा भी लग रहा है, आज विशेष है, तुलसी पूजा है। तुलसी पूजा है, कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है इसलिए यहाँ अधिक भीड़ दिख रहा है। अधिक भीड़ दिख रहा है, यहाँ हमेशा भीड़ रहता है? हमेशा भीड़ रहता है, इतने ही भीड़ रहता है। ये काफी फेमस मंदिर है हरियानाथ, कहा जाता है कि हम मनोकामना जो मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाते हैं, हाँ। पुराने विष्णु भगवान है, हाँ। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, आते हैं, हाँ। तो अच्छे है, अच्छे प्रोग्राम चलता है, हाँ। आप क्या कहिएगा? कुछ तो यहाँ अपने साथ का पूछना, बाबा हरियानाथ मंदिर पहुँचे पूजा कर रहे हैं, हाँ। यही के आप हैं? हाँ, सोनपुर के हैं। सोनपुर के हैं, काफी भीड़ दिख रहा है मंदिर में, कुछ विशेष आज? आज देव उठान का विशेष है, पूजा पाठ हो रहा है, बहुत महत्व है हरियानाथ बाबा का, देव उठान का। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं? सब आते हैं, देश विदेश सब आते हैं। कहा जाता है कि मनोकामना यहाँ जो मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है? हाँ, पूर्ण हो जाता है मनोकामना यहाँ का, बहुत महत्व है बाबा का। तो साफ तौर पर सुना कि उनका कहना है कि काफ़ी महत्व है यहाँ का बाबा का। और जिस तरह से कहें तो जो कार्तिक का माह चल रहा है और जो तमाम श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो पूजा करवा रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। और जो कहाँ से हम आए हैं इनसे बात करें, कहाँ से आए हैं आप? सोनपुर से। सोनपुर के ही हैं, तो यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं, कुछ विशेष है आज? कुछ नहीं, काथा हुआ हो रहा है, हाँ, मुरन हो रहा है, मुरन जी, मुरन हो रहा है बच्चा को। चलिए, तो यह जो है यहाँ के लोकल ही हैं और जिस तरह से बात करें तो यहाँ पर देश विदेश से भी लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ बाबा हरियानाथ में सभी की मनोकामना पूरी पूर्ण हो जाती है और यहाँ तमाम लोग भी पहुँचते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पोर्टल के साथ। नमस्कार।